हेलो फ्रेंड्स, आई एम शेफ कृष्णा और आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक यमी डिलिशियस स्पेशल रेसिपी जो कि बहुत यमी है और बच्चों को बेहद पसंद आने वाली है। ये यमी डिलिशियस रेसिपी जिन लोगों को मीठा पसंद है तो उनके लिए ये एक मीठी रेसिपी है और बहुत यमी है। तो फ्रेंड्स, इंग्रेडिएंट नोट कर लीजिए और जल्दी से बना डालिए हमारे साथ ये यमी डिलिशियस रेसिपी। फ्रेंड्स, ये एक पराठे की रेसिपी है और इस बार हम पराठे में स्टफिंग मीठी करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चलें बनाते हैं ये यमी डिलिशियस पराठे। फ्रेंड्स, ये है यमी स्वीट पराठा, हम लाए हैं आपके लिए यमी डिलिशियस एक स्वीट पराठे की रेसिपी जो कि होममेड मावे से बनेगा। और ये है स्वीट मावा पिस्ताचू पराठे, बहुत यमी है, बहुत डिलिशियस है। कभी कभी मन करता है कि कुछ मीठा हो जाए तो क्यों ना हम बना लें ये मीठे मावे के पराठे। सो फ्रेंड्स, मेवा और मावा दोनों है और डिलिशियस है, बहुत डिलिशियस है, जल्दी से बना लीजिए मैजिक किचन ऑफ कृष्णा के साथ ये यमी डिलिशियस स्वीट पराठे। चलिए बनाते हैं एक मैजिकल रेसिपी मैजिक किचन ऑफ कृष्णा के साथ में। बने रहिए वीडियो में और बना डालिए ये यमी डिलिशियस स्वीट पराठे। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल मैजिक किचन ऑफ कृष्णा फॉर मोर वीडियोस। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बना लेते हैं स्टफिंग। स्टफिंग के लिए हमने ले लिया 1 kg मिल्क। इसको हमें मिल्क को थिक करना है, इसको पकाना है तब तक जब तक एक चौथाई नहीं रह जाए। इसको जल्दी से थिक करने के लिए हम इसमें ऐड कर देंगे मिल्क पाउडर। तो यहाँ पे 1/2 cup मिल्क पाउडर हम इसमें ऐड कर रहे हैं। तो 1 kg मिल्क में हमने 1/2 cup मिल्क पाउडर ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि लम्स ना हो, और इसको लगातार इसी तरह से चला के कुक कर लेंगे। तो देखिए, ये 1/2 रह गया है। अब हमने 1 kg लिया था, ये 1/2 kg हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे शुगर। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको लगातार चलाते हुए हम इसको कुक कर लेंगे। तब तक कुक करेंगे जब तक कि ये मावे में कन्वर्ट नहीं होता है। देखिए, पहले थोड़ा सा चीनी मिलाने के बाद पतला होता है, फिर वापस ये गाढ़ा हो जाता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कोकोनट बुरा। कोकोनट बुरा ऑप्शनल है। तो फ्रेंड्स, डेसिकेटेड कोकोनट ऐड करने के बाद हम इसको लगातार चलाएंगे और चलाते हुए इसको सुखाएंगे। तो ये बिल्कुल ड्राई हो जाना चाहिए, तो लगातार इसलिए चलाएंगे ताकि ये जो है चिपके नहीं कहीं से भी। तो देखिए, ये काफी थिक हो चुका है, तो ये लगातार हम इसलिए चलाते हैं ताकि ये बिल्कुल कहीं से चिपके नहीं। चिपकने से फिर स्वाद खराब हो जाता है। सो आप इसको लगातार चलाएं और चला के ये मावा प्रिपेयर हो जाए। ये 1/4 रह गया है बिल्कुल। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पिस्ताचू। तो ये 1/2 cup हमने पिस्ताचू लिया है। हम पिस्ताचू वाले मावा बना रहे हैं, तो आप यदि और ड्राई फ्रूट लेना चाहें तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। हम ऐड कर देंगे केवड़ा वाटर। तो देखिए फ्रेंड्स, ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है और इसको बिल्कुल हमें ड्राई फॉर्म में लाना है, तो इसको लगातार चलाते रहें। फ्लेम का ध्यान रखें कि फ्लेम मीडियम लो पर ही हो और बिल्कुल हाई ना करें। इस समय ये देखिए बिल्कुल ड्राई हो चुका है, पानी का पोर्शन बहुत कम रह गया है, तो इस समय बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। छींटे पड़ते हैं, सो आप अपने आप को बचाते हुए इसको पकाएं और लगातार चलाएं जिससे ये तले पे नहीं लगे। तो देखिए, ये हमारा तैयार हो चुका है लगभग मावा। तो इसमें काफ़ी मात्रा में पिस्ताचू है और इसका टेस्ट बहुत यमी होता है। सो ये मावा रेडी हो गया है, तो हम फ्लेम ऑफ कर दिया और इसे डिश आउट कर लिया। तो हमारा स्टफिंग रेडी है। हमने ये आटा लगा लिया है, हमने 2 cup आटा लिया, उसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड किया और ये आटे को 10 मिनट रेस्ट देने के बाद हमने इस तरह से एक डिस्क बेल लिया। उसके ऊपर हम लगा देते हैं घी। आप ऑयल भी लगा सकते हैं और बटर भी लगा सकते हैं, तो जो आपको पसंद है वो आप लगा लें। सेंटर पे हमने इस तरह से स्टफिंग रखा
और इस तरह से हम बुक फोल्ड करेंगे और इस तरह से हम लिफाफे की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हम इसको फोल्ड कर देंगे लिफाफे की तरह, और इसको फोल्ड करने के बाद हम इसको हल्के हाथों से दबा देंगे जिससे ये स्टफिंग चारों तरफ फैल जाए अच्छे से। उसके बाद हम इसको पहले साइड्स को अच्छे से बेलेंगे और इसको हम बड़ा कर लेंगे। तो ये देखिए हमने बेल लिया है ये लिफाफे की तरह, और अब हम इसको सेक लेंगे। तो ये तवा गरम है हल्का, और उस पर हमने ये डाल दिया पराठा, और इस पर हम डाल देंगे घी और इसको अच्छे से सेक लेंगे। एक साइड सेकने के बाद हम इसको टर्न करके सेकंड साइड भी अच्छे से सेक लेंगे। तो ये थोड़ा सा कड़क सेकना जरूरी है जिससे कि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और ये खाने में भी यम्मी लगता है। तो इस तरह से हम सेकंड भी इसी तरह से बना रहे हैं। देखिए फर्स्ट हमारा रेडी हो गया है, तो हम सेकंड भी इसी तरह से फोल्ड कर रहे हैं। हम सेकंड फोल्ड करना भी आपको बता रहे हैं। तो इस तरह से फोल्ड करेंगे तो पॉकेट की तरह ये जो स्टफिंग है वो अंदर रहेगा। देखिए तैयार हो गया है। तो ये सेकंड वाला पराठा भी हम सेक लेते हैं घी के साथ में। आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। हमने पिघला हुआ घी लिया है यहाँ पर जिससे ये अच्छे से सिक जाए। तो ये देखिए ये पलट कर हम सेकंड साइड भी सेक लेंगे अच्छे से। इसको थोड़ा सा हमें गोल्डन ब्राउन सेकना है जिससे ये क्रिस्पी हो जाते हैं और खाने में बहुत यम्मी लगते हैं। तो ये देखिए बन के रेडी हो गया है पराठे। अब हम इसको फोर कट करके इस तरह से सर्व करेंगे। देखिए कितना यम्मी है। इसको आप मावे के साथ खाएं बहुत अच्छा लगेगा। यूं ही खाएं तो भी अच्छा लगेगा, इसमें मावा भरा हुआ है। सो आपको ये टिफिन में भी आप दे सकते हैं। बहुत यम्मी डिलीशियस रेसिपी है, जल्दी बन जाता है और एक डिफरेंट स्टाइल है। सो जल्दी से बना डालिए फ्रेंड्स ये यम्मी डिलीशियस स्वीट मावा और मेवा के पराठे।